फाइनली आज वो दिन है जब मैं इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के अवार्ड विनर्स को अनाउंस करने जा रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स आप सभी के लिए जरूरी हैं, जो इस कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए भी, जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी। आज वो दिन है जब मैं इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के अवार्ड विनर्स को अनाउंस करने जा रहा हूँ, कौन इस कंपटीशन में अवार्ड कैटेगरीज में आए हैं। तो बिल्कुल ये मत ट्राई करना कि वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट आप आर्ट वर्क देखें। पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बिहाइंड द स्टोरी दे देता हूँ, ताकि आप सिर्फ आर्टवर्क्स देखो नहीं, एक आर्टिस्ट की नजर से इस वीडियो को देखो। इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन इंडिया का बिगेस्ट आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था प्रियांश रावल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां पे हजारों एस्पायरिंग आर्टिस्टों ने, प्रोफेशनल आर्टिस्टों ने पार्ट लिया था। 12 देशों से पार्टिसिपेंट्स आए थे और इन सभी के आर्टवर्क्स को एनालाइज करके टॉप 100 का सिलेक्शन हुआ था पहले राउंड में। सेकेंड राउंड में जब आर्टवर्क बनाने के लिए दिया गया सारे टॉप 100 पार्टिसिपेंट्स को, तो दो टॉपिक्स दिए गए। इन सभी बातों को ध्यान से सुनना, ताकि जो भी आर्टवर्क अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अवार्ड विनर्स को आपको शेयर करूंगा, दिल थाम के थोड़ा बैठो, थोड़ा सा पेशेंस, हड़बड़ाना नहीं है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, ध्यान से सुनना, आपके लिए जरूरी है, ओके? ये जब 100 आर्टवर्क्स सिलेक्ट हुए, तो इन 100 आर्टिस्टों को टॉपिक दिया गया। जो जूनियर थे उनको टॉपिक दिया गया हैप्पीनेस, जो सीनियर थे उनको टॉपिक दिया गया पेन। यहाँ पे जरूरी था कि टॉपिक के बेसिस पे जो आर्टिस्ट हैं, और टाइम भी बहुत लिमिटेड दिया गया था कि कम समय में आर्टिस्ट किस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और 4 कैटेगरीज में सिलेक्शन हुई है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आप सभी के लिए जरूरी हैं, जो इस कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए भी, जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी, जो इस कॉम्पिटिशन के बारे में समय पर नहीं जान पाए वो भी, और जो इस कॉम्पिटिशन के बारे में जानते हैं पर जुड़ नहीं पाए, सभी समझो इन पॉइंट्स को, आपको फ्यूचर में काम आए। 4 क्राइटेरियाज पे इन सारे आर्टवर्क्स को सिलेक्ट किया गया है, और ये सारे ज्यूरी मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पे सारे आर्टवर्क्स को एनालाइज किया, सारे आर्टवर्क्स को मार्किंग दी। किसी भी ज्यूरी को ये नहीं पता था कि कौन सा किसका आर्टवर्क है, सभी ने बहुत ही ऑनेस्टली अपना पक्ष रखा। और 4 क्राइटेरियाज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला जो क्राइटेरिया था वो था टेक्निकल पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर पे कौन सा वर्क खरा उतर रहा है। दूसरा जो क्राइटेरिया था वो था कि इन सभी आर्टवर्क ने टॉपिक को रिप्रेजेंट कितने अच्छे से किया, टॉपिक रिप्रेजेंटेशन दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया था क्रिएटिविटी लेवल पे, बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं, एंड ऑब्वियसली जो लोग इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन में सेकेंड राउंड में गए थे सब के सब बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे। लेकिन एक क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट यहाँ पे इसलिए आ जाता है क्योंकि जब हम आर्ट की बात करते हैं और जब टेक्निकल लेवल पे हम स्ट्रांग हो जाते हैं, तो क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी आर्टिस्ट के लिए। तो क्रिएटिविटी एक थर्ड क्राइटेरिया ऐड किया गया था सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। चौथा क्राइटेरिया जो ऐड किया गया वो था ओवरऑल एस्थेटिक के रूप में। जब हम किसी आर्टवर्क को देखते हैं तो उसमें से कैसी फील आ रही है, उसमें से कैसा वाइब आ रहा है, ये भी एक क्राइटेरिया था। ये फोर्थ क्राइटेरिया था जो कि यहाँ पे ऐड किया था एनालिसिस करते वक्त। तो इन सभी क्राइटेरिया को एनालाइज करने के बाद सिलेक्शन हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बारीकी से सारे आर्टवर्क की जाँच की गई है, सारे आर्टवर्क को एनालाइज किया गया, पूरी ज्यूरी मेंबर्स ने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत दिल से इसमें काम किया। तो 3 यहाँ पे मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो को आप आगे देखना, तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा दिल थाम के इस वीडियो को देखें। पहला जो आपके लिए टास्क है, प्लीज एक पर्पल हार्ट कमेंट सेक्शन में, आपको पता है मैं पर्पल हार्ट इसलिए बोलता हूं, जब भी आप कमेंट में पर्पल हार्ट टाइप करते हो एक फील आती है, एक वाइब आता है, ऐसा फील होता है कि जो भी मैं शेयर करना चाह रहा हूं आप सबके तक वो बात पहुंच रही है, आप सबको भी वो उसी फील के साथ आप उसको फील कर पा रहे हो जिस फील के साथ मैं उसको बोल रहा हूं, तो पर्पल हार्ट इन द कमेंट्स। दूसरा जो आपके लिए टास्क है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल आइकन जरूर दबा दो। बहुत सारे लोग, बिलीव मी, हजारों पार्टिसिपेंट्स आए थे इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन में, लेकिन बहुत सारे हजारों मैसेज इस बात के लिए भी आए कि सर हमें टाइम पे पता ही नहीं चला कि कंपटीशन कब हुआ, हमें पता ही नहीं चला कि इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन क्या है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा था, वो इसलिए क्योंकि आपको टाइम पे अपडेट नहीं मिल पा रही थी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि जो भी चीज होती है, जो भी चीजें शेयर होती हैं, अपडेट्स आते हैं, वो आपको समय पे मिल सके। और तीसरा जो टास्क आपके लिए ये है कि मैं और भी कुछ ऐसे कॉन्टेंट्स बनाना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के पीछे का इनसाइट्स, बिहाइंड द सीन्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं तभी करूंगा जब आप बताओगे कि आप वो चीजें देखना चाहते हो कि नहीं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखना येस आई वॉन्ट, अगर आप वो चाहते हो तो। ये 3 टास्क आपके लिए हैं, प्लीज इसको कर दो,
10 सेकंड लगेंगे मुश्किल से, लेकिन इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप ये कंटेंट और चाहते हो क्या, इनसाइट्स और चाहते हैं क्या, बिहाइंड द सीन्स और चाहते हैं क्या, प्लस आप चैनल से कनेक्ट हो पाएंगे। एंड अब मैं आप सबके साथ सारे आर्टवर्क शेयर करता हूँ। इससे पहले कि मैं शेयर करूँ, बस एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि सिर्फ आर्टवर्क को देखना मत। ओके, नॉर्मल पब्लिक आर्टवर्क को देखेगी, बहुत खुश होगी, उनको लगेगा बहुत कमाल का वर्क है, लेकिन एज एन आर्ट लवर आपका काम सिर्फ आर्टवर्क देखना नहीं है, उसको एनालाइज करना भी। मैंने आपको टॉपिक बताया है हैप्पीनेस, पेन, इन टॉपिक के बेसिस पे आर्टिस्टों ने किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने आप को, अपने भावनाओं को शेयर किया, अपनी टेक्निकल बेसिस को, अपनी टेक्निकल पार्ट्स को भी यहाँ पे दिखाते हुए कैसे उन्होंने उसमें एस्थेटिक और उसमें क्रिएटिविटी सारी चीज़ें ऐड करके अपने आर्टवर्क को शेयर किया, उन सभी को यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ इस आर्टवर्क को देखते समय पॉज करना, वीडियो को एनालाइज करना किस तरीके से शेयर किया गया है। सारे वर्क इंस्टाग्राम पे, इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं, पहले के भी वर्क्स जो इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के पुराने वर्क्स थे सारे पार्टिसिपेंट के, वो काम भी तो अपलोड किए गए हैं, प्लस जो आज मैं दिखा रहा हूँ अवार्ड विनर्स, उनके काम भी इंस्टाग्राम पे शेयर किए गए हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहना दोनों ही चैनल पे, प्लस एनालाइज करना सारे वर्क्स को, ध्यान से देखना। तो अब वो मोमेंट शुरू होता है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जूनियर कैटेगरी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक अवार्ड जाता है प्रतीक्षा को। प्रतीक्षा ने एक कपल के माध्यम से हैप्पीनेस को दर्शाया है, बहुत ही खूब काम किया है प्रतीक्षा आपने। आपको, आपके वर्क को हमारे सारे सोशल मीडिया में एग्जिबिट किया जाएगा लाखों लोगों के बीच में, एंड आपको कैश प्राइज दिया जाता है 3000 रुपीज़ का। अगेन आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू प्रतीक्षा फॉर योर अमेजिंग आर्ट वर्क। सेकेंड जो हमारी कैटेगरी थी वो थी थीम स्पेसिफिक अवार्ड, किसी थीम पे आर्टवर्क बनाना, और पल्लव ने एक मदर सन के लव को दर्शाया है। और आप इनके वर्क को अगर पास से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमोशंस शेयर किए हैं। पल्लव, आपके इस काम के लिए आपके वर्क को सोशली हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉग्निशन दी जाएगी, प्लस आपको 3000 रुपीज़ का कैश अवार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला जो अवार्ड है वो है रियांस चॉइस अवार्ड। अखिल ने यहाँ पे ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर के बीच का प्यार और एक बचपन का पूरा लाइफ साइकिल शो किया है हैप्पीनेस दिखाने के लिए। आपके इस वर्क को अखिल, हमारे सारे सोशल मीडिया पे रिकॉग्निशन दी जाएगी, उन्हें शेयर किया जाएगा, एंड आपको भी कैश अवार्ड जाता है 3000 रुपीज़ का। अगेन आई एम रियली हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर अमेजिंग वर्क। ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जाता है बिंदु को। बिंदु ने यहाँ पे एक मदर और एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो खुशी होती है एक मदर को, वो शो की है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बखूबी से इन्होंने अपना इस इमोशन को दर्शाया है। बिंदु, आपको यहाँ पे कैश अवार्ड मिलता है 10,000 रुपये का, एंड आपके भी वर्क को सोशली सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स में एग्जिबिट किया जाएगा। सो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बिंदु। सिल्वर मेडल यहाँ पे जो हमारा सिल्वर मेडल है वो बैक्ड बाय अमर। अमर ने यहाँ पे बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ हैप्पीनेस को दर्शाया है, बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स के साथ, बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही खूबसूरती से हैप्पीनेस को यहाँ पे दर्शाया गया है। एंड अमर, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर अमेजिंग आर्टवर्क। आपको कैश अवार्ड दिया जाता है 20,000 रुपीज़ का, एंड आपके इस वर्क को हमारे सारे सोशल मीडिया पे लाखों लोगों के सामने एग्जिबिट किया जाएगा। एंड गोल्ड मेडल इज़ बैक्ड बाय सौरभ। सौरभ ने एक बच्चे को एंजल के रूप में दिखाया है, एंड एक बच्चा अपनी माँ के लिए एंजल के समान होता है। तो इस खूबसूरती से इन अपने आर्टवर्क के जरिए इन्होंने हैप्पीनेस को दिखाया है। सौरभ, आपको दिया जाएगा 50,000 रुपीज़ का कैश अवार्ड, एंड आपके भी वर्क को लाखों लोगों के सामने एग्जिबिट किया जाएगा। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ फॉर बैकिंग दिस अवार्ड। सीनियर कैटेगरी में टॉपिक था पेन। थीम स्पेसिफिक अवार्ड जाता है गुलशन को। गुलशन ने यहाँ पे न सिर्फ ये दिखाया कि एक बच्ची का दर्द, बल्कि ये भी दिखाया कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों के पंख को यहाँ पे दर्शाते हुए इन्होंने दिखाया कि बच्चों के ज़िंदगी में पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या रखता है, और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। तो इस पूरे दर्द को इन्होंने दर्शाया है। आपको दिया जाता है कैश अवार्ड 5000 रुपीज़ का, और लाखों लोगों के सामने आपके इस खूबसूरत आर्टवर्क को एग्जिबिट किया जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अवार्ड जाता है नवीन को। इन्होंने सल्वर्टर डली के स्टाइल में किस तरीके से दुनिया में जंग चल रही है, अलग अलग सेक्टर को दर्शाया है, कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाया है। इस वर्क को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के माध्यम से पेन को दर्शाया। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अवार्ड आपको जाता है नवीन, एंड आपको कैश अवार्ड जाता है 5000 रुपीज़ का, एंड लाखों लोगों के सामने आपके वर्क को शेयर किया जाएगा।
रियांस चॉइस अवार्ड जाता है कोमल को। कोमल ने यहाँ पे एक गर्ल के पेन को दर्शाया है, एक लोनलीनेस को दर्शाया है, किस तरीके से एक धोखा मिलता है, उस धोखे का पेन कैसा होता है, तो उस लोनलीनेस को यहाँ पे कोमल ने बहुत ही बखूबी दर्शाया है। रियली कॉन्ग्रेचुलेटिव कोमल, एंड आपको भी कैश अवार्ड जाता है 5,000 रुपीज़ का, एंड आपके भी वर्क को लाखों लोगों के सामने एग्जीबिट किया जाएगा हमारे सारे सोशल मीडिया पर। ब्रॉन्ज मेडल जाता है प्रेम को। प्रेम ने यहाँ पे कर्ण की मौत दिखाई है। कर्ण की मौत पे उनकी माँ को जब ये पता चला कि उनके बेटे, जिनको उन्होंने प्यार दिया भी नहीं था, और वो इस दुनिया से चला गया, तो वो पेन, वो सिचुएशन को यहाँ पे प्रेम ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। प्रेम आपको अवार्ड मनी जाती है 20,000 रुपीज़ की, एंड आपके वर्क को लाखों लोगों के सामने एग्जीबिट किया जाएगा हमारे सारे सोशल मीडिया पर। सिल्वर मेडल जाता है रवि को। रवि ने अपने आर्टवर्क में एक इंसान के अंदर के डेविल को दर्शाया है। इनके वर्क को आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे दुनिया में अलग अलग तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उनको इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक एब्स्ट्रैक्ट, एक क्रिएटिव अंदाज से दर्शाया है। बहुत ही खूबसूरत काम। आपको कैश अवार्ड दिया जाता है 50,000 रुपीज़ का, एंड आपके इस खूबसूरत वर्क को उस लाखों लोगों के सामने एग्जीबिट किया जाएगा सोशल मीडिया पर। एंड द गोल्ड अवार्ड गोज टू लोकेश। लोकेश ने एक गाय के ऊपर पूरी सोसाइटी का अत्याचार दिखाते हुए गाय के ऊपर अल्सर दिखाया है। अल्सर का पेन एक काउ को कैसे होता है, सोसाइटी का इम्पैक्ट एक एनिमल पे किस तरीके से पड़ता है, इस पेन को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। इस काम को भी बहुत बारीकी से आपको देखने की ज़रूरत है। लोकेश, आपको गोल्ड अवार्ड मिलता है 1,00,000 रुपये का। इन सारे लाखों लोगों के सामने आपके वर्क को शेयर किया जाएगा हमारे सारे सोशल चैनल्स पर। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन लोकेश फॉर योर अमेजिंग वर्क। मैं दिल से बधाई देता हूँ अगेन जितने भी अवार्ड विनर्स हैं यहाँ पे, आप सबको, आपका ब्राइट फ्यूचर, आपका और ग्रोथ हो, आपकी ज़िंदगी में और तरक्की हो एज एन आर्टिस्ट, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ और आपको दिल से आपको बधाई देता हूँ। एंड उन सभी को जो इस कंपटीशन में पार्ट लिए थे, आप सबको मैं अगेन यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने इस पूरी जर्नी का, आप इस पूरी जर्नी को आपने एक्सपीरियंस किया, आपने डरा नहीं, आपने इस बात से चिंता नहीं की कि मेरा आर्टवर्क अभी किस लेवल पर, आपने अपना 100% दिया, वो चीज़ बहुत ज़रूरी था। एंड इसके ऊपर हमने एक सेशन भी किया था जो कि सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए किया गया था। सभी पार्टिसिपेंट्स को फ्री स्केचिंग के कुछ लेसन्स भी दिए गए थे ताकि हर एक बिगिनर ने जिसने इस कॉम्पिटिशन में लिया है उनको भी बेनिफिट हो। तो हर तरीके से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई थी ताकि हर एक पार्टिसिपेंट को, हर एक पर्सन जो भी इस कंपटीशन से जुड़े हैं, हर किसी को बहुत कुछ मिले, बहुत कुछ वो लेके जाएं और अपने आप को ग्रो कर सकें और इस जर्नी में बहुत ज्यादा आगे तक जा सकें। जिन्होंने भी इस कॉम्पिटिशन को मिस कर दिया, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, आई रियली फील सॉरी, क्योंकि आप लोग, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आगे से कुछ भी अगर इवेंट्स होते हैं या कभी भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप लोग एक कदम बढ़ा सकते हैं जिसके वजह से आपको बहुत तरक्की मिल सकती है, बहुत ग्रोथ मिल सकती है, तो कभी भी उसको मिस ना करें। जीत और हार तो लगे रहेगा, हार जीत लगे रहेगा, लेकिन जिन्होंने भी पार्ट लिया है, जिन्होंने भी एक कदम बढ़ाया है, वो जानते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ मिली है, किस तरीके से उनको चीज़ें समझ में आई है, किस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और इस तरीके से एक एक कदम बहुत मायने रखता है जब भी हम स्पेशली किसी आर्ट फील्ड में जाते हैं, क्योंकि हार जीत तो एक अलग फैक्टर होते हैं लेकिन कई बार हम नेटवर्क्स बनाते हैं इस पूरी जर्नी में। जब लोग एक साथ काम करते हैं तो एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, नेटवर्क्स बना पाते हैं, और हो सकता है आज जो नेटवर्क उन्होंने बनाया है फ्यूचर में उनको कब, कहाँ, किस मोमेंट पे कितना आगे लेके चले जाए वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी चाहिए किसी को भी जो भी आर्ट की फील्ड में सीरियसली काम करना चाहते हैं। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कुछ भी होता है तो आपको पता चलता रहे। एटलीस्ट करना ना करना वो फ्यूचर में आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसी चीज आती है जिसका आपको पार्ट बनना चाहिए, जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, तो एटलीस्ट उसके बारे में आपको पता रहे ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो इसलिए कनेक्टेड रहिएगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मेरे सारे सोशल मीडिया पे। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं और भी इनसाइट शेयर करूंगा अगर आप कॉमेंट्स में बताएंगे कि आप इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के बिहाइंड द सीन्स भी चाहते हैं क्या। एंड अगेन मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपकी एक शेयर से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक वीडियो को शेयर कर देने से, एक आर्ट की वीडियो जब शेयर होती है तो बहुत सारे आर्ट लवर्स तक वो पहुंच पाती है, और जब बहुत सारे आर्ट लवर्स उनको देखते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें अपना स्टेप ले पाते हैं, उसमें से उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है। तो एक शेयर बहुत मायने रखता है, कब कौन सा शेयर से किसकी लाइफ बदल जाए कोई जानता नहीं है। तो इसलिए एक सेकेंड निकाल के शेयर जरूर करना इस वीडियो को। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, keep creating, keep learning, keep growing. Learning is really important in this field. Keep learning, never stop learning. Take care, love you all.